विष्णु के आठवें अवतार कृष्ण की लीला अपरंपार हर रूप में कृष्ण की माया बाल गोपाल ने किया पूतना का संहार नटखट कान्हा ने दिया कालिया नाग को मार बांके बिहारी ने बचाई द्रौपदी की लाज कुरुक्षेत्र में दिखाया रूप विराट मुरलीधर के हैं 12 रूप हर रूप करता है चमत्कार कृष्ण के किस रूप की आराधना पूरी करती है आपकी कामना ये बताएंगे हम आज जी हाँ 12 रूप हैं और 12 चमत्कार आपको क्या चाहिए कौन सी इच्छा आप अपनी पूरी करना चाहते हैं बस आप ये सब मान सकते हैं और एक दिन का मौका है आपके पास जब आप तय करेंगे कि कान्हा के किस रूप की करनी है आपको आराधना क्योंकि कल है वो दिन जब आप अपनी कामनाओं के मुताबिक मांग सकते हैं मुरली मनोहर से बताएं तो कान्हा के 12 रूपों में से आप किस रूप की करेंगे आराधना क्या है आपकी कामना ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगी सत्यनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद अलग अलग रूप होते हैं तो पहले स्वरूप की अगर हम बात करें जिसमें हम लड्डू गोपाल कहते हैं बाल गोपाल बिल्कुल तो ये क्या देते हैं हमें जो लड्डू गोपाल है इन्हें धन और संपत्ति का स्वामी माना जाता है इस स्वरूप का ध्यान करने से धन संपत्ति की अखंड प्राप्ति होती है तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसमें वो बालक है और एक हाथ में उन्होंने लड्डू पकड़ रखा है इसी स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए और ऐसे ही स्वरूप का चित्र अथवा प्रतिमा भी पूजा स्थान पर स्थापित करनी चाहिए और पहले नीचे एक हरे रंग का गोटेदार वस्त्र स्थापित करें उसके ऊपर बाल गोपाल की प्रतिमा रखें फिर धूप दीप इत्यादि चढ़ाकर पंचोपचार पूजन करें और विशेष तौर पर उन्हें रक्त चंदन अर्पित करना चाहिए प्रसाद में खीर विशेष तौर पर अर्पित करें हरे रंग के आसन पर स्वयं साधक को बैठकर उनकी भक्ति और पूजा करनी चाहिए चंदन की माला से मंत्र का जाप करें मंत्र है ओम स फ्रेम क्लीम कृष्णाय नमः ओम स फ्रेम क्लीम कृष्णाय नमः इसी मूल मंत्र से आपको उनका जाप करना है मंत्र जाप के बाद भगवान को दूध के कुछ छींटे देने से आपकी मनोकामना या स्वरूप पूर्ण करता है बिल्कुल दूसरे रूप की अगर हम बात करें बंसी बजाइए ये क्या देते हैं जो बंसी बजी यह स्वरूप उनका है ये मानसिक सुख देने वाला स्वरूप माना जाता है हर तरह से व्यक्ति को सुखी सुख प्राप्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वो बालक कृष्ण हैं वन में बैठे हुए हैं और हाथों में उन्होंने बांसुरी पकड़ रखी है वो धीमे स्वर में बांसुरी बजा रहे हैं ऐसे दिव्य स्वरूप का साधक को ध्यान करना चाहिए और भक्त को भगवान की ऐसी ही चित्र अथवा प्रतिमा को नीले रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करके उनकी साधना करनी चाहिए धूप दीप पुष्प इत्यादि चढ़ाकर विशेष तौर पर उन्हें कपूर अर्पित करना चाहिए प्रसाद में मेवे अर्पित करें और नीले रंग के ही आसन पर स्वयं भक्त को बैठकर उनकी साधना करनी चाहिए और रक्त चंदन अथवा चंदन की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए मंत्र है ओम श्री कृष्णाय क्लीम नमः ओम श्री कृष्णाय क्लीम नमः मंत्र जाप के पश्चात भगवान को जीत के छींटे देने चाहिए छोटी जिस अनामिक उंगली से जिससे हम तिलक करते हैं तीसरे रूप की बात करते हैं जिसमें कालिया मर्दक रूप आता है ये क्या दिलाता है जो भगवान का कालिया मर्दक स्वरूप है ये बहुत ही अद्भुत दिखता है व्यापार में अखंड तरक्की देने वाला रोजगार देने वाला इसे माना जाता है भगवान श्री कृष्ण जी एक सर्प के ऊपर नृत्य करते हुए मुद्रा में होते हैं और हाथ में उन्होंने बंसी पकड़ रखी हुई है और बहुत सुखमय स्वरूप में ऐसे स्वरूप का साधक जब ध्यान करता है तो उसे मनोकामना उसकी पूर्ण होने लगती है भगवान के ऐसे ही चित्र को चुनकर अथवा उनकी मूर्ति को लाकर आप काले रंग के गोटेदार वस्त्र पर प्रेम और भक्ति सहित स्थापित करें फिर पंचोपचार पूजन करें धूप दीप पुष्प नैवेद्य इत्यादि में प्रदान करें विशेष तौर पर गौरोचन का तिलक उनको लगाना चाहिए और प्रसाद में भगवान को मक्खन प्रेम सहित अर्पित करें और काले रंग के आसन पर स्वयं साधक को बैठना चाहिए भक्त को बैठना चाहिए फिर चंदन की माला से मंत्र का जाप करें मंत्र है ओम हुम ऐम नमः कृष्णाय ओम
होम ओम नमः कृष्णाय। इस मंत्र के जाप के पश्चात जब समाप्त हो जाए तो मंत्र जाप होने के बाद दही के छींटे भगवान के श्री चरणों में अथवा उनके विग्रह को प्रदान करने से आपकी ये मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होती है। एक और रूप है जो सबको बहुत ज्यादा प्रिय होता है, प्रसन्न होता है, वो है बाल गोपाल। बिल्कुल, क्या देता है? बाल गोपाल संतान सुख देने वाले माने जाते हैं क्योंकि वो स्वयं भी बालक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जी का ये एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वो पालने के भीतर शिशु स्वरूप में स्थित हैं और झूला झूल रहे हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और भगवान के ऐसे ही चित्र अथवा विग्रह को पीले रंग के आसन पर, पीले रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए और फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप पुष्प नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने के बाद विशेष तौर पर केसर उनको प्रदान करना चाहिए और प्रसाद में मिश्री अर्पित करें और पीले रंग का आसन साधक को स्वयं के लिए भी चुनना चाहिए, उसी पर बैठें और फिर चंदन की माला से अपने मौलिक मंत्र का जाप करें। आपका मूल मंत्र है ओम क्लीम 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 कृष्णाय नमः, ओम क्लीम 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 कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जब जाप पूरा हो जाए तो मंत्र जाप के पश्चात भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र की आहुति के लिए शहद के कुछ छींटे भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने चाहिए। बिल्कुल, माखन चोर रूप जो बहुत ही वो भी बहुत लोगों को भाता है, तो ये रूप क्या देता है? जो माखन चोर स्वरूप है उसके संबंध में शास्त्र कहता है कि स्वस्थ देने वाला और दुसाध्य रोगों का नाश करने वाला स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जी का ये एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वो माता यशोदा के सामने ये कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है लेकिन माता ने उनकी चोरी पकड़ ली है। तो ऐसे अद्भुत बाल लीला में स्वरूप का साधक को ध्यान करना चाहिए, उनके ऐसे ही विग्रह को, चित्र या मूर्ति को अपने घर लेकर आए और पीले आसन पर, गोटेदार वस्त्र पर उन्हें स्थापित करके पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप पुष्प जल नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए सुच्चा मोती, एक मोती या मोतियों की माला आप उन पर अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद में फल ही उन्हें अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी भक्त पीले रंग के आसन का प्रयोग उनकी साधना के लिए करें और चंदन की माला से आपको मंत्र का जाप करना है। भगवान के इस स्वरूप का बीज मंत्र सहित प्रमुख मंत्र है ओम हुम रौम हुम कृष्णाय नमः, ओम हुम रौम हुम कृष्णाय नमः। इसी प्रकार से आप मंत्र का जाप करेंगे और मंत्र जाप की कोई विशेष संख्या नहीं है, तो जब आप इच्छा अनुसार मंत्र जाप पूरा कर लें तो फिर गंगा जल के छींटे भगवान के श्री चरणों में अवश्य दें। छठे रूप की बात करते हैं गोपाल कृष्ण, क्या दिलाते हैं? ये बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। जिस व्यक्ति के मन में मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हो, विख्यात होने की इच्छा हो, यश प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें भगवान कृष्ण जी के ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। इस स्वरूप में वो वन में रहते हैं अपने सखाओं सहित, चारों तरफ गलियां उनके हैं और वो वन में अपने बाल सखाओं के साथ बैठे हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप का साधक को और भक्त को ध्यान करना चाहिए और ऐसे ही चित्र को घर लाकर, मूर्ति को घर लाकर मटमैले रंग के वस्त्र पर, गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करें। फिर धूप दीप पुष्प इत्यादि श्रद्धा भक्ति सहित अर्पित करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष तौर पर मोर का पंख अर्पित करना चाहिए अथवा उनके शीर्ष पर लगा दें और प्रसाद में उन्हें मिष्ठान मिठाई ही अर्पित करनी चाहिए और मटमैले रंग के आसन पर भक्त को स्वयं बैठकर भी मंत्र का जाप करना चाहिए और माला चंदन की माला ही इस मंत्र के जाप के लिए भी श्रेष्ठ है और इसका इस स्वरूप का दिव्य मंत्र है ओम रौम रौम क्लीम नमः कृष्णाय, ओम रौम रौम क्लीम नमः कृष्णाय। मंत्र जाप के पश्चात भगवान को दूध के छींटे अवश्य देने चाहिए उनके श्री चरणों में, उससे आपकी यह कामना भी अवश्य पूर्ण होती है। तो कान्हा के 12 रूप कैसे देंगे आपको चमत्कार, कौन से हैं 12 चमत्कार और कौन से हैं मनोकामनाएं जो आप पूरी कर सकते हैं, सब हम आपको बता रहे हैं। गोवर्धनधारी रूप की बात करते हैं, ये किस मनोकामना को पूरा करता है? जी, ये जो भगवान कृष्ण का एक अद्भुत रूप है जिस विग्रह की बहुत चर्चा होती है, ये बेहद क्रूर ग्रह राहु केतु मंगल इत्यादि सहित योगिनी पत्यंतर दशा या महादशा जब योगिनी की होती है, संकटा इत्यादि, तो उनका असर बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसमें वो अपनी छोटी उंगली में पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और चारों तरफ बाल गोपाल उनके नजर आते हैं। भगवान के ऐसे चित्र अथवा मूर्ति की उपासना करनी है तो उसके लिए सर्वप्रथम आप लाल रंग के गोटेदार वस्त्र को लेकर आए और उस पर ही भगवान श्री के विग्रह को स्थापित करें। पंचोपचार पूजन, धूप दीप पुष्प इत्यादि चढ़ाकर विशेष तौर पर उन्हें पीले रंग के चुने हुए पुष्पों का हार अर्पित करना चाहिए और प्रसाद में
की मिश्री उन्हें विशेष तौर पर आप अर्पित अवश्य करें। लाल रंग के आसन पर स्वयं आपको बैठना है और चंदन की माला से ही मंत्र का जाप करना है। भगवान के इस दिव्य स्वरूप का मंत्र है ओम एम क्लौम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम एम क्लौम क्लीम कृष्णाय नमः। इसी मंत्र का आप जाप करें, कम से कम आधे घंटे तक आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, इसके पश्चात भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल के छींटे उनके श्री चरणों में अवश्य साधक को अर्पित करने चाहिए तो मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए बढ़ते आगे, आठवें रूप की बात करते हैं जो है राधा नाथ रूप। जी, ये क्या दिलाता है? ये प्रेमय स्वरूप है भगवान का और सर्वाधिक पूजे जाने वाला स्वरूप भी है। इससे शीघ्र विवाह भक्त का होता है। यदि प्रेम विवाह शीघ्र विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे स्वरूप की साधना करनी चाहिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसमें उनके साथ श्री राधा जगत जननी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम में झांकी स्वरूप में है। सभी मंदिरों में लगभग ऐसे स्वरूप की उपासना होती है, तो साधक को ऐसे ही दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और ऐसे ही चित्र अथवा मूर्ति को अपने घर लाए। गुलाबी रंग के गोटेदार वस्त्र पर उनके ऐसे दिव्य विग्रह को स्थापित करें। पंचोपचार पूजन, जल, धूप, दीप, अक्षत इत्यादि अर्पित करें और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इत्र और सुगंधी विशेष तौर पर अर्पित करने चाहिए। प्रसाद में मिठाई अर्पित करनी चाहिए और गुलाबी रंग के आसन पर स्वयं भक्त को बैठकर मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र के जाप के लिए भी चंदन की माला का ही आप प्रयोग करेंगे। आपके इस स्वरूप के दिव्य मंत्र का उच्चारण आप इस प्रकार से करेंगे, ओम हुम ह्रीम सह कृष्णाय नमः। ओम हुम ह्रीम सह कृष्णाय नमः। इसी मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप भी कर सकते हैं और माला से भी जाप कर सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक इस मंत्र का आप माला से जाप करें और जब जब समाप्त हो जाए तो भगवान को शहद अथवा शहद मिश्रित जल के श्री चरणों में छींटे देकर मंत्र अर्पित करना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे, नौवें रूप की बात करते हैं रक्षा गोपाल रूप जैसे हम कहते हैं, ये हमें किससे रक्षा कराता है? जी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है रक्षा गोपाल है। मुकदमे इत्यादि यदि आप पर चल रहे हो, राजकीय संकट यदि आप पर आ गया हो, राजकीय कार्य में यदि व्यवधान आ रहा हो, तो इन समस्त कार्यों में सफलता देने वाला भगवान का ये दिव्य स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जी का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वो द्रौपदी जी के चीर हरण के समय इनके पुकार पर अपनी दिव्य क्षमताओं से उनके वस्त्र को बढ़ाते हुए उनकी लाज रखते हैं। ऐसे ही दिव्य अलौकिक स्वरूप का भक्त को ध्यान करना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र अथवा मूर्ति को आप घर लेकर आएं और पूजन स्थान पर मिश्रित रंग अर्थात अलग अलग रंगों के बना हुआ जो कपड़ा होता है वैसा गोटेदार वस्त्र चुनकर उस पर इस प्रतिमा को स्थापित करें। फिर धूप, दीप, जल, पुष्प, अक्षत इत्यादि अर्पित करें और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष तौर पर मीठे पान का बीड़ा ये अवश्य अर्पित करना चाहिए, ये विधान है। और प्रसाद में माखन और मिश्री आप अर्पित करें। मिश्रित रंग के ही आसन पर भक्त को स्वयं बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। इस स्वरूप का मंत्र है ओम क्लौम क्लौम ह्रौम कृष्णाय नमः। ओम क्लौम क्लौम ह्रौम कृष्णाय नमः। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करेंगे और जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तब मंत्र जाप के पश्चात भगवान के श्री चरणों में दही के छींटे आपको अवश्य देने चाहिए जिससे मंत्र सफल होगा। बारह रूप बारह चमत्कार हम आपको दिखा रहे हैं। दसवें रूप की बात करते हैं भक्त वत्सल्य, क्या दिलाता है? जो भक्त वत्सल नाम से स्पष्ट है ये भगवान का भय नाशक, दुर्घटना नाशक और परम रक्षक स्वरूप माना जाता है। इस स्वरूप का अवश्य ध्यान करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा स्वरूप है जिसमें वो सखा भक्त सुदामा के चरण स्वयं पखारते हैं और साथ ही एक ऐसा स्वरूप भी है जिसमें वो युद्ध में रथ का पहिया हाथों में लिए हुए क्रोधित मुद्रा में अर्जुन का बचाव कर रहे हैं। भगवान श्री के ऐसे स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए और ऐसे ही विग्रह को चित्र अथवा प्रतिमा को भूरे रंग के वस्त्र पर गोटेदार वस्त्र पर आपको स्थापित करना चाहिए। फिर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि उन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित करने के पश्चात एक शंख विशेष तौर पर आपको अर्पित करना चाहिए और फल प्रसाद रूप में अर्पित करना चाहिए। भूरे रंग के आसन पर ही स्वयं भक्त को बैठना चाहिए और चंदन की माला से उनके इस स्वरूप की मंत्र की साधना करनी चाहिए। मंत्र है ओम हुम कृष्णाय नमः। ओम हुम कृष्णाय नमः। जब ये मंत्र का जाप पूर्ण हो जाए तो मंत्र निवेदन करने के लिए पंचामृत के छींटे भगवान के श्री चरणों में भक्त को अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगला रूप योगेश्वर कृष्ण रूप। जी, इससे क्या मिलता है? ये बुद्धि का स्वरूप है। इसमें परीक्षाओं में सफलता और जो लोग मानसिक रूप से अपने आप को हीन मानते हैं वो इस प्रकार का बल भगवान देते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप है जिसमें वो रथ पर बैठे हुए
अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं, ये बहुत ही दिव्य स्वरूप है। तो ऐसे ही स्वरूप के चित्र अथवा मूर्ति को घर लाकर पीले रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए। फिर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने के पश्चात पुष्पों का एक ढेर बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। प्रसाद में मीठे तत्वों का ही अर्पण करना चाहिए और पीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से उनके स्वरूप का मंत्र जपें। मंत्र है ओम झौम 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 हम कृष्णाय नमः, ओम झौम 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 हम कृष्णाय नमः। मंत्र जाप के पश्चात भगवान श्री के चरणों में दूध के छींटे देते हुए अपने मंत्र को अर्पित करें। आखिरी रूप विराट कृष्ण रूप जी क्या मिलता है? ये विराट स्वरूप घोर विपदाओं और समस्त प्रकार की जो आदि व्याधियां हैं उनको टालने वाला है, बड़े से बड़े संकटों को टालेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का ये एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वो युद्ध के समय अर्जुन को जब उपदेश देने के बाद वो नहीं मानते तो उन्हें अपने परम स्वरूप का दर्शन करवा देंगे, जिससे देवताओं ने देवव्यास सहित संजय ने इस दिव्य स्वरूप को देखा था। ऐसे ही स्वरूप को घर लाकर मूत्र जो इसका चित्र होता है मंत्र सहित गौमूत्र से छींटे देते हुए भगवान के दिव्य को पवित्र करते हुए उनकी साधना करनी चाहिए। तो धूप दीप पुष्प इत्यादि आप अवश्य चढ़ाएं, विशेष तौर पर तुलसी दल उन्हें अति प्रिय है। प्रसाद में हलवा बनाकर अर्पित करें। पीले या लाल रंग के आसन पर आपको स्वयं बैठकर मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम तत्स्वरूपाय कृष्णाय नमः, ओम तत्स्वरूपाय कृष्णाय नमः। और मंत्र जाप संपन्न होने के बाद पंचामृत के छींटे उनके चरणों में देने से आपकी साधना संपन्न। चलिए आप यहाँ पर आए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना।